नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिस डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस, भागलपुर में डीएम प्रणब कुमार ने संविधान प्रस्ताव को पढ़कर दिलाया शपथ। नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा, चर्चा के दौरान पार्षदों ने बैठक का किया बहिष्कार। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार बलेरो हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चालक की हालत गंभीर। पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन कई उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, 9 दिसंबर को होगा मतदान। और अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भागलपुर का दबदबा रहा बरकरार, 10 विकेट से सीतामढ़ी को किया पराजय। और अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर के दिन देश अपना संविधान दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म के 125वें सालगिरह के रूप में मनाया गया है, जिसमें संविधान के महत्व का प्रसार और अंबेडकर के विचार एवं अवधारणाओं के प्रसार पर महत्व दिया गया। भारत का संविधान आजादी के परवानों की उम्मीदों और देश के नव निर्माण में लगे सिपाहियों की मेहनत का प्रतिफल है। संविधान दिवस देश के साथ पूरे अंग प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भागलपुर के डीआरडीए परिसर में संविधान दिवस को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जिले के सभी कार्यालयों के कर्मियों को संविधान का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया और सभी कर्मियों को देश के संविधान की शपथ दिलाई। नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था और संविधान सभा में इसको पढ़ करके सभी लोगों ने अंगीकृत किया था, और 70 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया और आज 26 नवंबर की तिथि है। तो सरकार के निर्देशानुसार 26 नवंबर 2019 से लेकर के 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसको समरसता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उस दिन तक, चूँकि अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, तो उनकी जयंती तक ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के समन्वय से, जैसे कि शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, पंचायती राज, नगर विकास विभाग, कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायती राज संस्थाओं में, सभी में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके और जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को संविधान के बारे में पूरी तरह से जागरूकता और जानकारी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों को संविधान का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया और देश के संविधान की शपथ दिलाई। वहीं सुंदरवती महिला कॉलेज में संविधान दिवस और भारतीय संविधान पर व्याख्यान का आयोजन NSS की ओर से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्या डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन NSS की प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद ने किया। संविधान दिवस को संबोधित करते हुए प्राचार्या ने कहा कि संविधान किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने समाज में एकता, सही सुनुता और भाईचारा स्थापित करने के लिए सभी को आगे आने की बात कही। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिन्हा, डॉक्टर नीलम महतो, डॉक्टर अंजू कुमारी, डॉक्टर रीता सिन्हा, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर सहित कई वक्ताओं ने संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को SSBD कंपनी सुइया के जवानों ने आदर्श मध्य विद्यालय के छात्रों के साथ संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर SSB के असिस्टेंट कमांडेंट अंजन सरकार, SSB इंस्पेक्टर मुकेश कुमार और प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से छात्रों को संबोधित करते हुए संविधान के महत्व को बताया। इस अवसर पर शिक्षक, SSB के जवान और स्कूली बच्चे मौजूद थे। वहीं सिविल कोर्ट परिसर में जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल जज राकेश त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी,
शोभा कांत मिश्रा, रमन कर्ण सहित कई न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम सभागार में मंगलवार को सामान्य बोर्ड की बैठक शुरू होते ही सदन में पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख कुछ ही देर बाद बैठक को रद्द कर दिया गया। दरअसल वार्ड पार्षदों ने पिछले बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्य नहीं होने को लेकर नगर आयुक्त से सवाल पूछने लगे। इस दौरान सभी वार्ड पार्षद सदन में हंगामा करने लगे, जिस पर नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों को एक एक कर सवाल पूछने की बात कही। वहीं नगर आयुक्त ने पार्षदों से सुझाव मांगे, लेकिन पार्षदों ने शोर मचाना जारी रखा, जिसके बाद पार्षदों के रवैये से नाराज होकर नगर आयुक्त सदन से बाहर निकल गई। दरअसल शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर सामान्य बोर्ड में चर्चा होनी थी, लेकिन एक बार फिर निगम की राजनीति के कारण बोर्ड की बैठक रद्द हो गई। पूरे मामले को लेकर मेयर सीमा शाह ने कहा कि शहर में कूड़े का अंबार लगा है, पर इस पर नगर आयुक्त द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बैठक में मेयर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा, नगर आयुक्त जयप्रियदर्शनी, डॉक्टर प्रीति शेखर, नीतू देवी, हंसल सिंह, संजय सिन्हा, सदानंद चौरसिया, गजाला प्रवीण, उमर चांद सहित सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दोगच्छी रेलवे संपार के समीप मंगलवार की अहले सुबह घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल चालक की पहचान तारापुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर निवासी अब्दुल सत्तार के पुत्र मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चालक गाड़ी लेकर भागलपुर से तारापुर की ओर जा रहा था। सुबह के समय घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 28 नवंबर तक चलेगी। प्रथम चरण में शाहकुंड, सनहौला और नारायणपुर प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव होगा। नामांकन के पहले दिन मंगलवार को सनहौला प्रखंड के 9 पैक्स में चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। फरीदमपुर पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चंदन कुमार, श्रीमतपुर के लिए भवेश मंडल, श्रीचक के लिए मंजय मंडल, सकरामा के लिए अर्जुन प्रसाद मंडल सहित 5 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान फरीदमपुर पैक्स प्रत्याशी चंदन कुमार के नामांकन जुलूस में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान लोग अपने प्रत्याशी के पक्ष में जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं श्रीमतपुर के भवेश मंडल भी सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। पूरा प्रखंड परिसर समर्थकों की भीड़ से पटा रहा। चुनाव को लेकर सहकारिता पदाधिकारी ने तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेरा पंचायत जो है कि सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है, कोशिश रहेगी कि सुखाड़ घोषित करवाओ और सभी किसानों को लाभ दिलाओ। सरकार की नीति तो मिला जुला करके ठीक है, लेकिन जो सरकार वहां से पदाधिकारी को नियुक्ति करते हैं वही बीच में जो है कि जुमलाबाजी कर देते हैं, जो कि नहीं हुआ है पंचायत घोषित सुखाड़। इतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि किसानों को जो है इस मद से काफी सुविधा मिले और हर किसान को बैंक में जो है कि अकाउंट ओपन करवा के उनका जो है कि बीमा कराया जाएगा। भागलपुर जिला प्रशासन की मेजबानी में चल रहे अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को सैंडिस कंपाउंड में वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी, नवादा, भागलपुर, दरभंगा एवं भोजपुर के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें भागलपुर ने सीतामढ़ी को 10 विकेट से, भोजपुर ने दरभंगा को 1 विकेट से, वहीं कटिहार ने वैशाली को 7 विकेट से, जबकि सीतामढ़ी ने नवादा को 7 विकेट से पराजित किया। सेमीफाइनल मैच सैंडिस कंपाउंड की भीतरी एवं बाहरी मैदान में खेला गया। पूरे टूर्नामेंट का आयोजन जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव की निगरानी में चल रहा है। संयुक्त सचिव सुवीर मुखर्जी ने बताया कि 27 नवंबर तक सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जबकि 28 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल होगा। इस अवसर पर टूर्नामेंट से जुड़े कई लोग मौजूद थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर
अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070908948 8210977 6375423 15423 1524 6200122 97 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 26 नवंबर को मुंबई में शहीद हुए वीर जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित भगत सिंह स्मारक पर युवा कांग्रेस की ओर से कैंडल जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वीर सपूतों के द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित आनंद ने कहा कि 26/11 की घटना को देश कभी नहीं भूल सकता है। युवा कांग्रेस के द्वारा 26/11 में आतंकी हमला के जो हुआ था उसकी बरसी में आज हम सब अपने वीर जवानों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। हमें गर्व है अपने वीर सपूतों पर जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे करके महाराष्ट्र को और पूरे देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। हम ऐसे तमाम सपूतों को नमन कर रहे हैं जो हमारी रक्षा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी वो नहीं सोचते और हमें अपने घरों में सुरक्षित होने के लिए, आराम से रहने पर हमें उनका एक समर्थन मिलता है। वैसे वहीं ABBP की ओर से खलीफाबाग चौक से कैंडल मार्च निकाला गया जो विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक पहुंचा। इस दौरान 26/11 हमले को याद करते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को याद किया। 11 वर्ष पूर्व जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उन वीर शहीदों के सम्मान में जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दे, हमें उस श्रद्धांजलि देने के रूप में स्थानीय खलीफाबाग चौक से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च कर रहे हैं तथा उन शहीदों के सम्मान में हम लोग सदा ऋणी रहेंगे। विश्वविद्यालय के छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय आक्रोश मार्च निकाला। छात्र जनता दल यू के बैनर तले छात्रों ने BN कॉलेज परिसर से मार्च निकालकर TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय और छात्रावासों में पानी, बिजली और शौचालय का घोर अभाव है जिसके कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से समस्याओं के समाधान को लेकर आवेदन दिया गया लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने समस्या समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यह जो आंदोलन हम लोगों का है, पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है लेकिन जो भी पार्टियां जीत रही है सिर्फ छात्रों को ठगने का काम कर रही है। कॉलेज के अंदर मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, मतलब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ बाथरूम की समस्या है और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि मारवाड़ी कॉलेज में जो है बॉयज का कॉमन रूम तक उपलब्ध नहीं है। जैसे TNB कॉलेज कैंपस में और पूरे कैंपस में पानी पीने की सुविधा कहीं पर उपलब्ध नहीं है। ये जो मूलभूत समस्या है उस मूलभूत समस्या को का भी निदान अभी तक ये लोग नहीं कर सके। इन लोगों का काम सिर्फ ये है कि कॉलेज प्रशासन से मिलकर अपनी दलाली करना और अपनी जेब भरना। भागलपुर के पुरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगाकोटी में मंगलवार को नए प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य रंजीत कुमार ने पदभार ग्रहण कर अपने कार्य का शुभारंभ किया। इसके बाद वंदना सभा का उद्घाटन प्रधानाचार्य रंजीत कुमार, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद, आचार्य दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद ने नए प्राचार्य को शुभकामना देते हुए विद्यालय को गति प्रदान करने एवं ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। वहीं प्रधानाचार्य रंजीत कुमार ने कहा कि कर्मयोगी के रूप में विद्यालय को सजाने और संवारने का कार्य करूंगा। इस अवसर पर रामजी प्रसाद सिन्हा, जितेंद्र कुमार, प्रभास मिश्र, शशि भूषण मिश्र, कविता पाठक सहित विद्यालय के भैया बहन मौजूद थे।
रंगराम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित 8वां बहुभाषीय भागलपुर रंग महोत्सव को लेकर मंगलवार को स्थानीय कला केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि महोत्सव का शुभारंभ 28 नवंबर से होगा जो 1 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव में अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला एवं राष्ट्रीय एकता की झलक दिखेगी। 4 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार द्वारा लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भागलपुर के बैनर तले जवारीपुर में सोमवार को जल एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर सेमिनार एवं अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन MLC डॉक्टर NK यादव, डॉक्टर कुमार बिमलेंदु सिंह, पंकज मालवीय समेत अन्य अतिथियों ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिले के करीब 200 विद्यालयों के 3-3 छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण सेमिनार में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से चंपा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य किया जाएगा, साथ ही 1,00,000 पौधे भी लगाए जाएंगे। आयोजित सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जैसे विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई। मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद मसूद आलम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अनीस, सचिव अरविंद कुमार सिंह, मंच संचालक रवि प्रकाश पाठक समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम है और हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 1,00,000 बच्चों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का, साथ ही उन्हीं 1,00,000 बच्चों से 1,00,000 पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है। ये कार्यक्रम हमारा पूरे साल तक चलेगा। इसके लिए जो मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी है, वो भागलपुर आ रहे हैं, कल वो आएंगे, वो अपना एक तरह से बच्चों को बताएंगे क्यों पानी को दूषित होने से बचाना जरूरी है, क्यों पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ वो चंपा नाला जो अभी नाला हमने शब्द का उपयोग किया जिसकी वो नदी है, वहाँ भी वो जाएंगे, उनका निरीक्षण करेंगे और आने वाला समय में चंपा नाला जो है चंपा नदी के रूप में बहेगा। बांका के अमरपुर प्रखंड के 12 पंचायतों में 9 दिसंबर को पैक्स चुनाव होगा। मंगलवार को चुनाव नामांकन के पहले दिन विभिन्न पंचायतों से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 8 एवं सदस्य पद के लिए 26 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। रतनपुर मकदुम्मा पंचायत से महेश मंडल, बल्ली कित्ता से कृष्णानंद कापरी ने अपने समर्थकों के साथ पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में 6 काउंटर बनाए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारी सब BDO सरस्वती कुमारी ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 28 नवंबर तक चलेगी। 29 एवं 30 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 2 दिसंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रत्याशी के समर्थकों की भीड़ जुटी रही। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस, भागलपुर में DM प्रणब कुमार ने संविधान प्रस्ताव को पढ़कर दिलाया शपथ। नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा, चर्चा के दौरान पार्षदों ने बैठक का किया बहिष्कार। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार बलेरो हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चालक की हालत गंभीर। पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन कई उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, 9 दिसंबर को होगा मतदान। और U17 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भागलपुर का दबदबा रहा बरकरार, 10 विकेट से सीतामढ़ी को किया पराजय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।